300 रुपए का लेवल टच हुआ, फिर उसके बाद हमने इसको 10,000 रुपए के आसपास आते हुए देखा और अभी बाजार वापस से उठा है। और पिछले अगर मैं 2 या 3 दिन पहले की बात करूं तो मध्य प्रदेश की मंडियों से ऐसी खबर भी निकल करके आई कि वहां पर कुछ ढेरी जो है वो 20,000 रुपए पर भी बिकी है और आज भी कई सौदे 15,000 रुपए पर हुए हैं रविवार होने के बावजूद भी। छुट्टी के दिन कुछ ऐसे सौदे हुए जहां पे हमने भाव 15,000 रुपए के ऊपर जाते हुए देखा, कुछ जो सौदे हमारी निगाह में आए 20,000 रुपए हो गए। क्या इसको ये माना जाए कि लहसुन बाउंस बैक कर रहा है? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था जब 300 में था कि जब नई फसल आएगी तो ऑटोमेटिकली इसे डाउन आ रही है। हाँ, नई फसल चालू हुई, मार्केट एकदम स्पीड से नीचे आई है और मार्केट 50 रुपए से 100 रुपए में नॉर्मल चल रही थी। थोड़ा बहुत इसमें अब लोगों का इंटरेस्ट हो रहा था कि क्योंकि इस साल भी कुछ कई इलाकों में फसल अच्छी है, कई इलाकों में बहुत कम है। इस बार भी लहसुन में उठापटक का ये साल रहेगा, ठीक है, अप डाउन का बहुत बड़ा साल रहेगा। तो कुछ लोग अभी एडवांस में ही स्टॉक करने बैठ गए थे पीछे, जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि गीला लहसुन स्टॉक करेंगे तो काले पड़ेंगे। ये बात हो गई 15 दिन 10 दिन 12 दिन पुरानी जी, जब वो गीला लहसुन स्टॉक कर रहे थे तो मैंने स्पेशल चल के बोला था कि अभी स्टॉक का टाइम आया नहीं, माल सूखने दीजिए। तो उस टाइम भी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, बट आज की तारीख में आज जब वो देख रहे हैं कि वाक्य में जो 15 दिन पहले स्टॉक किया था वो माल काला पड़ रहा है और वो दोबारा उसको बाहर खेतों में डाल के या गोडाउन से बाहर डाल के उसको सुखाया जा रहा है, तो उनको समझ आ रही है कि मैंने उस टाइम पे सही रोका था। अब जब लहसुन सूखने में जा रहा है तो आप ये ध्यान रखें, ये उठा पटक वाला दौर चालू हो गया। किसी के दिमाग में तेजी आ रही है तो इस भाव में खरीद रहा है, किसी के दिमाग में मंदी दिख रही है तो इस भाव में वो बेच रहा है कि जी मेरे को तो इससे ऊपर नहीं दिखता तो मेरे को तो बेचना है। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज यहाँ पर नीलामी के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकित जी मौजूद है। अंकित जी, क्या माहौल है इस बार? आज माहौल बढ़िया है, मंडी में आवक ज़्यादा है, 6 से 7 हज़ार कट्टे की आवक है, ऊँचे में 14,000 रुपये बिका है माल आज। कौन कौन सी वेराइटियाँ अभी आ रही है? वेराइटी आ रही, जीटू आ रही, ऊँटी आ रही है, अभी आ रहे हैं 14, मतलब सुपर माल आ रहा है। सुपर माल आया ना, 14,000 रुपये बिका ऊँचे में। अभी क्या कारण रहता है कि इस समय जो है इस क्वालिटी कम देखने को मिलती है? ये अभी क्या है, भिजवाने का सीजन नहीं है, आदमी माल छाटता है, सुखाता है, बना के लाता है, अच्छा बढ़िया बनाएगा, फिर अच्छा माल बाद में लाएगा किसान भिजवाने के टाइम पे। ऐसा भी होता है बीज के लिए किसान बचा के रखता है, फिर भाव तेज भिजवा रहे और तेजी के लिए किसान रखता है ना घर में माल, हाँ ऊँचे भाव देखने के लिए। अपने यहाँ उज्जैन मंडी में लगभग मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी आती है? जीटू अभी जो नई वेराइटी आई थी गए साल, वही उसी का भाव ऊंचा है सबसे। हमारे साथ जो गार्लिक एक्सपर्ट है मुकेश जी, इनसे बात करेंगे कि 5 दिन के बाद में क्या स्थिति रही है और इसके बाद में किस तरह की स्थिति रहने वाली है लहसुन में। मुकेश जी, मार्केट टाइम सर, आमदनी तो 40,000 बोरा अंदर है और 25,000 बोरा बाहर है, आमदनी अच्छी है, बाजार 1,500 रुपये टाइट है बाजार आज। तो ये जो डिमांड अच्छी है ये और स्टॉक वाले भी चालू हो गए, थोड़ा क्या लगता है कि आगे डिमांड बाजार अच्छे रहेंगे? अभी अच्छे रहेंगे, हाँ। कहाँ तक जा सकते हैं कुछ है ये? अभी बाजार आज जैसे जो माल 7-8 हज़ार बिक रहे थे वो उसमें 1,000 बढ़े, जो 10-11 बिक रहे थे वो 13-14 बिकने लग गए, सब बाजारों में अच्छे है, बाजार पकड़े और डिमांड भी बहुत है आज। ऊटी की ऊँटी कम आ रहा है, ऊँटी में ज़्यादा डिमांड है पर ऊँटी कम आ रहा है। ऊँटी क्या बाजार है? 14-15-16 तक बिका आज। 16 तक बिका और देसी जो है वो 12-13 हज़ार से 16 तक भी बिका, ये भी 1-2 लाट, बाकी 14-15 बहुत बिक रहे माल। हाँ, मीडियम में भी तेजी है, जो 5-6 से मीडियम बिक रही थी वो 7-8 हज़ार बिकने लग गई है। अच्छा, बाजार अच्छा है। तो पिछले कई दिनों से जो मंडी बंद थी जिसके चलते किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे थे, अब जैसे ही मंडी खुली है काफ़ी संख्या में उपज लेके किसान आए हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज तेजी भी देखी जा रही है, काफ़ी तेजी देखी जा रही है। किसानों को किस तरह की उपज का दाम मिला है उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। भाई साहब, नाम आपका? विष्णु राठौर। कहाँ से आप? केशवपुरा। केशवपुरा, लहसुन आपकी बिकी? जी। कौन सी है ये? देसी। देसी, देसी। क्या भाव गई, कैसा? 13,050। 13,050 गई है, मतलब जो आम दिनों में काफ़ी कम देती, थोड़ा सैंपल दिखा दीजिए।
ये इस तरह की है 13,500 गई है। और मतलब जो भाव था निश्चित तौर पे बढ़ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि एक ढेर जो आज बढ़िया वाला था वो 24,552 रुपये के करीब बिका है, तो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। वही नीचे की बात करें तो ये ऊटी का बता रहा हूँ मैं, और जहाँ ऊटी के नीचे की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 के ऊपर हैं। वहीं देसी की बात करें तो देसी 16 भी बढ़िया गया है, जो कार्टून क्वालिटी का था। उसके अलावा फिर जो नीचे बात करें तो सामान्य दिनों में छड़ रही है वो जो 7-8 जाती थी वो भी अभी 9 के करीब जा रही है। दिखाना चाहूँगा इधर कि किस तरह की छड़ रही है। और लगातार आज किसान अपनी उपज लेके आ रहे हैं। भैया वो वाला सैंपल दिखा दीजिए मेरे को, ये एक और सैंपल है जो आम दिनों में काफ़ी कम जाता था और अभी 9,800 रुपये तकरीबन 10,200 रुपये कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ढेर 7 रुपये भी बड़ी मुश्किल से बिकता था आज बढ़िया गया है। तो कुल मिला के जो आज मंडी में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि और तेज़ी देखी जाए, क्योंकि इस सप्ताह लगातार मंडी खुलेगी और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के कुछ बीच बीच में अवकाश भी आते रहेंगे। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।